एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है और एक और मैं ब्लॉग लेके आ रहा हूँ फोटोशूट पे। और आज का जो ब्लॉग है वो कुछ खास आइडिया आया था। हम लोग बैकग्राउंड रखने वाले हैं हाई एक्सपोज, मतलब बैकग्राउंड पूरा एक्सपोज रहेगा, वाइट रहेगा, और उसमें हम लोग फोटोशूट करेंगे और फेस भी हम लोग क्लीन रखेंगे। इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं कैनन M50 Mark II और है कैनन का 50mm लेंस। जो हम लोग फोटोशूट कर रहे हैं इसमें प्राइम लेंस ही चाहिए, जो भी हो प्राइम लेंस चाहिए। जूम लेंस से वो फोटोशूट नहीं हो पाएगा क्योंकि जूम लेंस से जब पीछे से धूप आता है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है फेस पे, और ये जो है अच्छा रिजल्ट देता है प्राइम लेंस कोई भी लाइट के मामले में। इसमें लाइट ज़्यादा इन करता है तो इसलिए हम लोग प्राइम लेंस यूज कर रहे हैं। हमारा जो ड्रेस है वाइट है और हम लोग को चश्मा यूज करना पड़ेगा। इसमें बिना चश्मा का जो फोटो है हाई एक्सपोज वाला अच्छा नहीं लगेगा। ड्रेस वाइट और बैकग्राउंड भी वाइट और फेस पे काला चश्मा कुछ ज़्यादा ही जचेगा, इसलिए हम लोग चश्मा ब्लैक लेके आए हैं और चश्मा यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग कोई एक्स्ट्रा लाइट यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमको चाहिए था थोड़ा सा लो एंगल से धूप ताकि एक्सपोजर कुछ ज़्यादा मिले बैकग्राउंड में, लेकिन अभी देख सकते हैं नीला हो चुका है बादल और धूप चला गया है ऊपर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम चूँकि प्राइम लेंस यूज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड ये थोड़ा ज़्यादा ही लाइट इन करता है इसमें, तो बैकग्राउंड वैसे भी वाइट हो ही जाना है, तो उससे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग शूट करते हैं फोटो। मुझे पता था कि पेड़ है, देख सकते हैं बैकग्राउंड में नीचे पेड़ है, तो बैकग्राउंड में पेड़ आ जाएगा, तो हमको पेड़ चाहिए नहीं क्योंकि हाई एक्सपोज करना है तो पेड़ हाई एक्सपोज में ठीक लगेगा नहीं। हमको सिर्फ चाहिए बादल और बैकग्राउंड को पूरा वाइट करना है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा हाइट ढूंढेंगे ताकि थोड़ा सा हाइट मिल जाए हमको। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइट यही है, और ये आज के हमारे मॉडल हैं, तो देख सकते हैं इनका इंस्टा आईडी वगैरह मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, देखते हैं कितना देख रहा है, कितना पसीना हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहले फटाफट से शूट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आइडिया अच्छा लगा हो फोटोशूट का, आप लोगों को पता ही है मैं सस्ता आइडिया बताता हूँ जिसमें कोई खर्चा ना हो लेकिन फ़ोटो कुछ यूनिक बन जाए, कुछ अलग हो जाए। इसलिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे भी अच्छा अच्छा आइडिया आप लोगों को अभी फोटोशूट के लिए मिलता रहेगा।